डीपीपी सॉल्व कर ले बताओ। मुझे तो दिख रहा है इधर डीपीपी आपने सॉल्व किए, अच्छा दो ही बच्चे ने सॉल्व किए, उसके होने वाला वाइफ उसको छोड़ के चले गए। अच्छा ठीक है भाई, दूसरा कोई मिल जाता। 9 जून को उन्होंने मैनेजर की सुसाइड किया। हाँ ये देखो, आपने जो टेस्ट दिए, मैं टेस्ट देख लेता हूँ, जो DPP-1 DPP-2 मोस्ट वेल, मैं चाहता कि DPP-1 सब कर ले। DPP-1 किए हैं काइनेमेटिक्स का, परिमल एंड ओम सॉल्व किए DPP। ओम बहुत खराब मार्क्स आए, परिमल का बहुत अच्छा 80% मार्क्स आया उसको, मतलब उसने 32 मार्क्स आउट ऑफ 40 सिक्योर किए, बहुत बड़ा गुड परिमल। आपका जो DPP रहेगा वो DPP का मैं सॉल्यूशंस, मतलब जो भी डिस्कशन रहेगा, जो भी आपको डाउट्स वगैरह रहेंगे, मैं 2 दिन वो डाउट सॉल्व करूंगा। जैसे कि मैं आई थिंक मंडे ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे को आपका एक एक्स्ट्रा क्लास रहेगा, मतलब मेरा एक एक्स्ट्रा क्लास रहेगा। उस दिन क्या होगा कि जो ट्यूसडे का जो एग्जाम हुआ था वो एग्जाम का पेपर का डिस्कशन होगा, प्लस साथ ही साथ जो DPP में जितना भी दिया था, मतलब मंडे ट्यूसडे जो DPP में दिया होगा वो DPP को उस दिन डिस्कस करूंगा, कुछ डाउट्स होगा तो। ठीक है, अब दूसरी बात, और एक दिन एक्स्ट्रा क्लासेस होगा, वो संडे को होगा एक्स्ट्रा क्लास। संडे को क्या होगा, संडे को हम लोग वो DPP डिस्कस करेंगे, कौन सा DPP, जो कि थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे को होगा। ठीक है, तो एक एक घंटा क्लासेस मोस्ट पर रहेगा, जो भी डाउट्स होगा वो मैं सॉल्व करते जाऊंगा। बट हाँ, अगेन डाउट सॉल्व का प्रोसीजर कैसे रहेगा, जो बच्चा फिजिक्स में जितना अच्छा मार्क्स लाएगा पहले मैं उसका डाउट सॉल्व करूंगा। ठीक है, ताकि वो जो डाउट्स रहेगा, उसका जो डाउट्स रहेगा, क्योंकि ही है सिक्योर्ड ए नाइस मार्क, तो आई थिंक कि उसका जो डाउट्स रहेगा वो सारे बच्चों का डाउट्स होगा, तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि उसका टाइम वेस्ट हो बाकी सारे बच्चों का, मतलब डाउट सॉल्व करते करते। तो व्हाट आई विल प्रिफर कि जिसका ज्यादा अच्छा मार्क्स आए होंगे फिजिक्स में, तो मैं उसको क्या करूंगा, पहले उसका डाउट ले लूंगा, उसके दौरान क्या होगा बाकी सारे बच्चों को वो डाउट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 2 एक्स्ट्रा क्लासेस रहेंगे। अरे कौशल, आप 2 दिन से एब्सेंस थे। ओहो ठीक है, अभी मुझे पता नहीं, पर फिर भी आज थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा, क्योंकि 9th 10th का थोड़ा अच्छा लेवल का चल रहा है। आप एक काम करें कौशल, विद्या सरिता एकेडमी का चैनल में जाइए, उसमें एक प्लेलिस्ट होगा, ठीक है, प्लेलिस्ट होगा, वो प्लेलिस्ट को, जो मेरा प्लेलिस्ट जो मैं फिजिक्स पढ़ाया हूँ वो प्लेलिस्ट पब्लिक है, ठीक है, वो अनलिस्टेड नहीं है, तो उससे आप वीडियो देख सकते हो। एल्स आप राजशेखर सर को या फिर अमन सर को मैसेज करो, मुझे मैसेज कर सकते हो, उसमें मैं आपको PDF भेज दूंगा, मेरे नोट्स का PDF आपको मिला, सारे बच्चों नोट्स का PDF मिला, नहीं मिला, अच्छा तो मिल जाएगा, मैं एक्चुअली दे दिया हूँ, शायद वो अपलोड नहीं किए, तो उस नोट्स के नीचे भी एक लिंक है, वो लिंक को क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली ये मिल जाएगा, हाँ आप पर डाल जाएगा। DPP नहीं मिला, एक्चुअली मुझे नहीं पता, शायद वो कुछ तो नया बैच क्रिएट हुआ है, जैसे कि वो क्लास 11th 2021 ऐसे कुछ तो क्लास बना हुआ है, तो उस बैच में जो है उनको सिर्फ मिलेगा, आई थिंक ऐसे कुछ है। तो इट इज बेटर कि कंसल्ट आप राशि के सर के साथ करें कि वो क्या ग्रुप बनाया है, कैसे नहीं बनाए, सो दैट शो। ठीक है चलो, तो फिर मैं थोड़ा सा बस पिछले जो क्लास में जो मैं पढ़ाया था आपको उसको थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। अरे बाप रे, ये तो मिट नहीं रहा, अरे वाह वाह। पैनल हो तो अच्छा होता, नहीं थोड़ा विजुअलाइजेशन कर पाते सारी चीज। एनीवे जो है सो है, क्या करेंगे। चलो क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम नहीं दिए, मैं आपको चीज बताऊं कि हमें सक्सेस कब मिलता है, ठीक है, हमें सक्सेस कब मिलता है, एक छोटा चीज है, छोटे से क्लास स्टार्ट करने के पहले, दो टाइप्स ऑफ सक्सेस रहते हैं, ठीक है ना। पहला टाइप होता है ये पहाड़ जैसा, ठीक है, पहाड़ जैसा, ये एक टाइप ऑफ सक्सेस होता है, ठीक है, मैं समझाऊंगा, ठीक है, मैं समझाऊंगा ये क्या है सर। पहाड़ जैसा सक्सेस एक तो ऐसे रहता है, दूसरा सक्सेस रहता है, एक ग्लास है और एक ग्लास में आपने पानी भर दिए, मतलब ये ग्लास है, ठीक है, आपको ऐसे दो टाइप ऑफ सक्सेस रहता है। कैसे, थोड़ा सोचो, मान लो एक आदमी को एक ये दिया गया, एक बहुत बड़ा स्टोन दिया गया, ऐसे बहुत हैवी स्टोन दिया गया ऐसे, और उसको बोला गया ये स्टोन को आपको इस तरफ लाना है, ठीक है, इधर से लेके आपको इस तरफ ये स्टोन को उठाकर पटकना है, तो आप क्या करोगे, बहुत सिंपल चीज है, एक आदमी ऐसे इधर खड़ा होगा, ठीक
उसको ढकल के लेके जाएगा से, चल तू चल तू चल ठीक तू चल। अब कितना स्लोप कितना ज्यादा है ना, स्लोप कितना ज्यादा है ठीक है। अब ये क्या करेगा कि ऐसे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा, तकलीफ कब तक है, जब तक वो इधर पहुंच जाएगा। और जैसे ही वो इधर पहुंच जाएगा ना, स्टोन को पकड़ के बस खत्म। इसके बाद उसको सक्सेस मिलने कोई जरूरत नहीं है, उसके बाद उसको तकलीफ नहीं करना है। वो क्या करेगा, ऐसे लेके ऐसे पटक देगा, ऐसे ढकल देगा और ये पट के आके नीचे गिर जाएगा। बहुत सारे लोग अपना जिंदगी जीने के टाइम पे, पता है आपको, इस पोजीशन में जाकर अटक जाते हैं और वो सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा। इस पोजीशन में आके अटक जाते हैं, बस इफ दे हैव वेटेड फॉर 5 to 10 minutes दे कुड हैव रीच्ड देयर। वो सक्सेस के दूसरे तरफ आके पहुंच जाते हैं। कुछ ऐसे ही हुआ होगा सुशांत राज सिंह के साथ, नहीं, दूसरे टाइप ऑफ सक्सेस ये भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारे लोग है ना, बहुत सारे लोग, अब तो सोचो ये बंदा अगर इस स्टोन को इधर छोड़ देता है तो क्या होगा इसके साथ, स्टोन इसके ऊपर गिर के इसको मार देगा ये स्टोन। नहीं, ये कुछ ऐसे टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन है, आपने अगर ये स्टोन को इधर छोड़ दिए, यू आर गॉन, यू आर गॉन, यू आर नो हुयर, आप कहीं पर भी नहीं रहे हो। इस टाइप ऑफ सक्सेस में क्या होता है कि मान लो आपको एक दूसरा कंपटीशन दिया गया कि पानी डालो इसके अंदर, सिर्फ पानी डालो इसके अंदर, तो आपने क्या किया, इसके अंदर पानी डाल दिए। अब पानी डालने के टाइम पे हो सकता है पानी पहले इधर तक पहुंच गया, उसके बाद इधर तक पहुंच गया, इधर तक पहुंच गया, इधर तक पहुंच गया, इधर तक पहुंच गया, इधर तक पहुंच गया। पानी तभी ओवरफ्लो होगा जब पानी पूरा इधर तक पहुंच जाएगा, उसके बाद तो पानी ओवरफ्लो होने वाला है नहीं उससे पहले। बहुत सारे बच्चे कब छोड़ देते हैं, जब इधर तक पानी पहुंच जाता ना, उनको लगता है शायद इनफाइनाइट डेप्थ का ये कुआ है, उसमें पानी कभी नहीं भरने वाला, सो दे लीव इट, वो छोड़ के चले जाते हैं। बट दे जस्ट हैव टू वेट दिस मच टाइम, बस उतना टाइम उनको वेट करना चाहिए था और कुछ नहीं। हाँ, इस केस में और इस केस में बस इतना ही डिफरेंस है, ये होने के बाद सक्सेस आपको पटकना मिल जाएगा ऐसे, ये ले बेटा, आपको कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बट इस केस में क्या होगा कि आप जैसे पानी भरते जाओगे, पानी पूरा फुल हो जाएगा, कहां पर, पानी पूरा इधर तक तो पूरा फुल हो जाएगा, और उसके बाद आप जितना एक्स्ट्रा पानी डालोगे उतना ही सक्सेस मिलेगा, जितना कम पानी डालोगे उतना कम सक्सेस मिलेगा आपको एक बार भरने के बाद वो गढ़ा। बट इस केस में आप जैसे इधर पहुंच गए, आपको और पानी भरने कोई जरूरत नहीं, यू विल बी डायरेक्टली ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस, दैट्स ऑल। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आधा टाइम पे काम छोड़ के चले जाते हैं, और ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जस्ट दे आर ऑन द वर्ज ऑफ रीचिंग द सक्सेस बट स्टिल दे लीव इट एंड दे कमिट सुसाइड। सो चूज योर सेल्फ कि आप कौन सा कैटेगरी में जाते हो। बट द थर्ड कैटेगरी पर्सन, वो हमेशा ट्राई करते रहते हैं एंड दे हैव फेथ कि एक दिन ना एक दिन तो ये गाड़ा भर जाएगा एंड आई विल डेफिनेटली गेट सक्सेस, या फिर एक दिन ना एक दिन मुझे इधर तक पहुंच जाऊंगा और मुझे वो सक्सेस मिलेगा मिलेगा। दैट कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म बट इट हैज टू बी देयर। हार्डवर्क नेवर गोज इन वैन, हार्डवर्क कभी भी वैन में नहीं जाएगा, समझे। तो नेवर एवर गेट डिप्रेस्ड कि वो कौन था सुशांत सिंह राजपूत साथ क्या होगा, हाउ टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग मैं आगे जाके बताऊंगा। बस ये ध्यान पर रखना दो टाइप ऑफ सक्सेस रहे, ठीक है। मैं धीरे धीरे बताऊंगा कि आपको मेंटली कैसे स्ट्रांग होना है, बहुत सारे क्वेश्चन आपका रहेगा, वो हम लोग एक छोटी छोटी मगर मोटी बातें, वो सारे चीजों में हम आपको ये सारे चीजें मतलब सॉल्यूशन देंगे आपको धीरे धीरे कि ये सब कुछ सॉल्यूशन क्या है। हमें तो प्रॉब्लम पता चल गया कि हाँ ये हमारा प्रॉब्लम है, ये इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, दूसरे टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो और एक प्रॉब्लम है, नहीं इतना सारा प्रॉब्लम को एक साथ कैसे झेलेंगे। पहले तो मेंटल प्रेशर है, पापा मम्मी बोलते होंगे ये कर बेटा वो कर वो कर, वो हमसे हो नहीं रहा है। उसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो का टीचर भी बोलते होंगे ये कर वो कर, मुझे ये चाहिए, ये डीपीपी कर, वो असाइनमेंट करके दिखा है? तो वो सब कुछ वो कैसे झेलेंगे, कैसे हाउ टू हैंडल दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस विल डिस्कस लेटर ऑन, ठीक है। आई होप छोटा सा बस मतलब मुझे बस अच्छा लगा।
कि ऐसे भी बच्चों के साथ होता है, सो आई होप यू लाइक इट। एनीवे, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारा पिछले क्लास का पढ़ाई के साथ। पिछले क्लास में हम पढ़े थे पिछले क्लास में पढ़े थे जो काइनेमेटिक्स एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी पढ़े थे, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी इतना काम का नहीं होता है, बट स्टिल फिर भी थोड़ा बहुत तो काम होता ही होता है। पहला मैं एक चीज खूबसूरत खतरनाक जबरदस्त तरीके बताया था कि अगर आपके पास कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ पाथ लेंथ है या फिर डिस्टेंस है और इसको आधा पार्ट में डिवाइड किया, लेट सपोज ये डी और ये डी हो गया, ये भी डी है, और ये पहला आधा डिस्टेंस वी वन स्पीड में गया, दूसरा आधा डिस्टेंस वी टू स्पीड में गया, तो इसका वी एवरेज कितना आ रहा था, कोई बता सकते हैं? किसी को याद होगा इसका वी एवरेज क्या होगा? तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख लेता हूं। दूसरा फंडा हम ये पढ़े थे कि अगर वही ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये टाइम सेम टाइम में गया और ये वी वन और ये वी टू स्पीड में गया, तो इस केस में वी एवरेज कितना होगा? ये दो चीज हम पढ़े थे, तो कौन बता सकता है कि दो चीज क्या क्या था? कौशल ने बोले वी वन प्लस वी टू डिवाइड बाई टू। ये कौन सा क्वेश्चन का आंसर, पहला या फिर दूसरा? दूसरा का अलग अलग आंसर आएंगे, दोनों का ही, दोनों का ही। पिछले क्लास में हम पढ़े थे, थोड़ा मैं हड़बड़ी में बता देता क्योंकि हमारे पास टाइम कम था। फर्स्ट का आंसर नहीं है कौशल। भावेश ने बोले हाँ सही है, पहला का आंसर आएगा। गुड, बहुत बढ़िया। पहला का आंसर आएगा टू अपन वन अपन वी वन प्लस वन अपन वी टू आ रहा था। ये आपको याद रखने के लिए बोला था। इसको थोड़ा मैं अगर मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करूं, बहुत सारे बच्चों को ये मतलब मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि शायद वी वन प्लस वी टू बाई टू होगा, बट ऐसा नहीं होगा, ठीक है? और इसको अगर सिंप्लीफाई करूं तो ये वी वन वी टू ऊपर चला जाएगा, टू टाइम्स वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू आया करता था, ठीक है, अगर डिस्टेंस बराबर आएगा तो। गुड, ओमकार ने भी आंसर दिया। आई अंडरस्टैंड कि आपको थोड़ा टाइपिंग में दिक्कत हो रहा होगा, बट कोई दिक्कत नहीं, कुछ डाउट्स होगा तो मुझे पूछ लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, छोटे छोटे चीजें बहुत मैटर करता है, ठीक है, बहुत मैटर करता है। इस केस में वी एवरेज कितना आएगा, वी वन प्लस वी टू अपॉन टू, ये अपन डिस्कस किए थे, राइट? अच्छा, इसके बाद मैं एक चीज बताया था, और एक क्वेश्चन मतलब थर्ड वाला क्वेश्चन, ये दोनों को एप्लीकेशन करके एक क्वेश्चन बनाया था कि मान लो आपके पास ऐसे है दो इक्वल डिस्टेंस का पाथ लेंथ है, ऐसे ये डिस्टेंस डी और ये डिस्टेंस डी ऐसे है, और बाकी जो रिमेनिंग जो हाफ डिस्टेंस है आपके पास, ये वाला जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फिर से दो पार्ट में डिवाइड है कि कुछ वो टी स्पीड में वी वन में गया और टी स्पीड में वी टू में चला गया, ठीक है, और ये वी स्पीड में गया, ठीक है। तो पहला चीज आपके पास ये मान लो ये ए है, बी है, सी है, तो ये डिस्टेंस तो बराबर है, तो ये वाला कौन सा फंडा पुट करूं, ये वाला फंडा पुट करूं, बट ये वाला चीज ना, ये वाला चीज इसके लिए क्या, टी टी बराबर है, तो ये बी से सी तक कितना आएगा, वी स्टार आ जाएगा, और वी स्टार का वैल्यू कितना आ रहा था, क्योंकि टाइम बराबर है तो कौन सा फंडा, ये वाला फंडा आएगा, तो ये बनेगा वी वन प्लस वी टू अपॉन टू। बहुत सारा मेडिकल कॉलेज से एग्जाम्स में ये पूछा गया है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया ये चीज। अब अगर ए बी का वेलोसिटी वी हुआ डिस्टेंस डी के बराबर, बी सी का अगर डी हुआ वेलोसिटी वी स्टार का बराबर हुआ, तो नेट एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा, ये वाला कौन सा फंडा आएगा, डिस्टेंस बराबर है तो ये वाला फंडा आएगा, तो आंसर कितना आएगा, टू अपॉन वन अपन वी प्लस वन अपन वी स्टार, वी स्टार का वैल्यू पुट कर देना, सॉल्यूशन निकाल जाएगा, क्लियर? ओके, क्लियर है तो रिप्लाई करो, हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब ये तो बहुत छोटा चीज था कि बहुत सिंपल चीज था, इसको अच्छे से क्लियर करना, क्लियर है। बाकी सारे बच्चे तो है कितने बाय द वे, दीपांश, हाँ स्नेहल, स्नेहल आपका फेवरेट एक्टर था क्या, वो आपका फेवरेट एक्टर था, उसका डीपी रख दिया आप, अच्छा आपका था, चलो एक क्वेश्चन लिखो, एमएस धोनी जी फेवरेट, अच्छा अच्छा इसीलिए, अच्छा मुझे ये बताओ
क्वेश्चन क्या गिवन है, एक कार है, ठीक है, एक कार है, वो कार क्या किया, कुछ किया थे? वो चल रहा था, गाड़ी चल रहा था कार, वो 30 किलोमीटर चला इन 2 आवर्स, 2 घंटे चला 30 किलोमीटर में, ठीक है। अब नेक्स्ट ये डिस्टेंस गिवन है और ये आपका टाइम गिवन है, नेक्स्ट वो 40 किलोमीटर गया, कितना कुछ एक स्पीड में गया, कितना स्पीड में गया, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। ये अपन नॉर्मल बहुत बेसिक फंडा से लगे, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, ठीक है ना, उससे अपन क्वेश्चंस करेंगे। तो पूछा कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज निकालना है आपको ये टोटल जर्नी का। एमएस धोनी बहुत अच्छा बंदा था भाई। छिछोरे मूवी देखे हो आप? छिछोरे मूवी बहुत अच्छा है, मतलब स्पेशली दो जोर, जैसे 3 इडियट मूवी, छिछोरे, अब स्पेशली वो 11-12 के बच्चों के लिए बनाया गया था। हाँ हाँ सब माहिर है इसमें। अब देखो क्या करेंगे अपन, तो पहले वी एवरेज, ये तो ये सारे छोटे छोटे चीज के लिए था, अगर डिस्टेंस बराबर है, इसके इसमें जैसे कुछ गिवन नहीं है कि डिस्टेंस बराबर है, टाइम बराबर है, वो तो कुछ भी नहीं गिवन है। तो अपन क्या करेंगे, अपन ऐसे करेंगे कि v average equal to मेरा जो बेसिक फंडा था क्या था, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। अगर हमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं आएगा तो हम बहुत बेसिक में जाएंगे, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, इससे जाएंगे, बाकी गया भाड़ में, कुछ भी हो जाए मुझे उससे कर लेना है, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, ये बोला कि पहला 30 किलोमीटर गया, दूसरे बार 40 किलोमीटर गया, तो 30 + 40 तो आ जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस। टाइम कितना लगा, अभी 30 किलोमीटर जाने के लिए उसको 2 घंटा लगा, 40 किलोमीटर वो 20 किलोमीटर पर आवर में गया, मतलब 1 घंटा को वो 20 किलोमीटर जाता है, तो 40 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितना लग गया, 2 घंटा, नहीं मतलब ये वाला पार्ट को कवर करने के लिए उसको 2 घंटा टाइम लगा और ये वाला पार्ट को कवर करने के लिए उसको 2 घंटा टाइम लगा, थोड़ा स्पीड अलग अलग होगा, नहीं अच्छा इसका मतलब टोटल उसको टाइम कितना लगा, 2 घंटा + 2 घंटा, मतलब आएगा 70/4। अब ये तो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, कितना देगा 35/2, 35/2 कितना बनेगा 17.5, और ये कितना डिस्टेंस था किलोमीटर में, टाइम था आवर में, तो ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। हाँ बहुत बड़ा कौशल आंसर दिया, वो गाली वो देते उसमें छिछोरे में, पता आपको, मैंने भी देखा, क्लियर है ये वाला चीज, 7.5 किलोमीटर पर आवर आएगा टोटल डिस्टेंस ऊपर टोटल टाइम, ये आपको बस ध्यान देना और कुछ नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, अब तो थियोरेटिकल क्वेश्चन लेते हैं, गुड। अब उससे क्या पूछा, और एक क्वेश्चन करते हैं, इसने ये बोल रहा है कि एक कार था वो भी चल रहा था, कार तो चलते ही रहते हैं हमेशा, वो कार क्या किया कि ये वाला पॉइंट सपोज ए था और ये बी था और ये सी था, और ये वाला डिस्टेंस आपका डी था और ये वाला डिस्टेंस आपका डी था, दोनों का डिस्टेंस तो बराबर है, ठीक है, दोनों का डिस्टेंस बराबर जैसे ही दिखा आपको मन में क्या दिया आएगा, 2/V1 + 2/V1 + 1/V2, ये वाला फंडा पुट करूंगा, ठीक है, ये क्लिक होना चाहिए, ये क्लिक होना चाहिए, ठीक है, ये पर गीता का सार है। अब उसने क्या किया ना कि जो ए बी डिस्टेंस जाने के लिए उसने वी वेलोसिटी यूज किया, और बाकी जो ये जो डिस्टेंस जाने के लिए उसको क्या लगा कि आधा गया T/3 डिस्टेंस और बाकी आधा गया 2T/3 डिस्टेंस में इतने टाइम पे, ठीक है, मतलब पहले जो मान लो कुछ सर्टेन टाइम के लिए होगा तो सर्टेन टाइम जितना टाइम उसको ए बी जाने के लिए लगा उतना टाइम का 1/3 टाइम, ये 1/3 टाइम गया V1 स्पीड में एंड 2/3 टाइम गया V2 स्पीड में। तो पूछ रहा है मुझे बताओ कि V एवरेज कितना आएगा, सोचो V एवरेज कितना आएगा। क्वेश्चन आई थिंक क्लियर है आपको, इसने बोला कि आप 1/3 टाइम लगा उसको, ये 1/3 टाइम लगा और इसको 2/3 टाइम लगा, जितने भी टाइम वो ट्रेवल किया था, मान लो इसने 3 सेकंड के लिए ट्रैवल किया होगा तो टोटल B से C तक, तो 1 सेकंड लगा उसको V1 जाने के लिए, मतलब V1 स्पीड में गया
और 2 सेकेंड वो V2 स्पीड पे गया, ऐसे गिवन है, पूछा कि V एवरेज कितना आएगा। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा छोटा मोटे क्वेश्चन में कर देता हूँ, बाकी आप वो करना है। तो पहले काम करता हूँ कि मुझे पता है कि अगर पहले ये वाला वेलोसिटी निकालता हूँ, ठीक है, ये वाला वेलोसिटी, लेट्स सपोज V स्टार हुआ, तो V स्टार अपन कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल चीज है, V स्टार निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है कि टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम निकालना पड़ता है, बस बीसी के लिए निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, फॉर बीसी, बीसी पार्ट के लिए निकाल रहा हूँ। अब मैंने सोचा कि अगर वो बीसी जाने के लिए उसको टी टाइम लगता है, बीसी जाने के लिए उसको टी टाइम लगता है, तो बीडी, तो टोटल डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस डी कितना आएगा, डी आ जाएगा वी वन इंटू टी अपॉन थ्री, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, वो तो इतना डिस्टेंस आ जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, v2 into 2 by 3, तो प्लस v2 into 2t by 3, ये वाला आपका डिस्टेंस आ जाएगा, यही वाला डिस्टेंस तो आएगा नहीं। अब मुझे क्या निकालना है, और ये t क्या है, t टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, उस टोटल टाइम से ये इतना बड़ा, इतना वाला पार्ट गया t by 3 टाइम पे, इतना वाला पार्ट गया 2t upon 3 टाइम, क्लियर। अब मुझे पूछा गया कि V एवरेज कितना आएगा, मतलब V स्टार निकाल रहा हूं, सिर्फ ये वाला पार्ट निकाल रहा हूं, V स्टार कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ऐसे। तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा फॉर दिस पार्ट, ये तो D है, टोटल टाइम इधर से आ जाएगा मेरे पास नहीं, टोटल टाइम बेसिकली क्या है, T ही तो है, यही वाला T है, क्यों टोटल टाइम क्या, T मान के चल रहा हूं। अब डिस्टेंस कितना आया, ये वाला डिस्टेंस इधर निकाला हूं मैं, तो इसके लिए डिस्टेंस कितना आएगा, टी अगर दोनों से कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा वी वन अपॉन थ्री प्लस बनेगा टू वी टू अपॉन थ्री, बचेगा इधर आ जाएगा अपन, बनेगा टी, ये टी से ये टी कैंसिल हो गया, तो मेरा जो वी स्टार कितना आएगा, वी वन अपॉन थ्री प्लस टू वी टू अपॉन थ्री, ये आपका आंसर है। ये तो बीसी के लिए सिर्फ निकला, सिर्फ बीसी के लिए निकला, मतलब टोटल के लिए निकाला था, तो टोटल के लिए क्या करूं, मेरे पास जो V एवरेज आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है, ये वाला डिस्टेंस बराबर है, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 2 अपॉन 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन V स्टार, क्योंकि V तो इसका वेलोसिटी है, इसका V स्टार है, क्लियर है। तो आपका आंसर कितना आएगा, 2 अपॉन 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V स्टार, V स्टार 1 अपॉन V स्टार कितना आएगा, V1 अपॉन 3 प्लस 2 V2 अपॉन 3। ये थोड़ा आपको लग रहा होगा क्या इतना हचपच कर रहे हो सर आप, बस थोड़ा अगर वैल्यूज गिवेन होगा, वी वन वी टू गिवेन होगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हो, क्लियर है हाँ या नहीं बोलिए, एक हम आगे बढ़ेंगे। यश निहाल को क्लियर है, दीपांशु क्लियर है, ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आप डीपीपी वन एंड डीपीपी टू में, ऐसे ही क्वेश्चंस है, उसको अच्छे तरह से प्रैक्टिस करना, बिना प्रैक्टिस करके आगे नहीं बढ़ना, आगे बढ़ोगे तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। हर्षल हाथ क्या, मतलब ऐसे कांग्रेस हो क्या आप, या समझ गया आप बोल रहे हो, या कोई डाउट से? चलो क्लियर है तो फिर सारी चीज को, ओके। अब ये तो बहुत बेसिक चीज था अपने पास, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड का। एवरेज वेलोसिटी इतना काम का नहीं आता है मोस्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमेशा पाथ क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, कर्व तो होता ही होता है, और जैसे जैसे कर्व पाथ आ जाएगा तो वो स्पीड पे कन्वर्ट हो जाएगा, वेलोसिटी तो होगा ही नहीं, ये तो क्लियर कट बात है, ओके। अब हम दूसरा चीज, दूसरा कॉन्सेप्ट जंप करते हैं, वो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था हमारे पास, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो हम समझते हैं कि क्या है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो आपको ध्यान पे होगा कि हम लोग इसके बाद ये डिस्कस करने के लिए बोला था मैंने कि स्पीड एंड वेलोसिटी के लिए हम दूसरा चीज पढ़ने वाले थे, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। अभी होता है क्या बेसिकली, मैं आपको एक छोटा सा राज बताऊं ना, राज बताता हूं, तो सोचो जैसे कि मान लो मैं ए पे गया था और ए बी पे आके पहुंच गया, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे गया तो इसको मैं कहता हूं डिस्प्लेसमेंट,
और उसका अगर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम लिया तो क्या बन जाएगा, एवरेज वेलोसिटी बनेगा। बट अगर मैं ऐसे गया तो इसको क्या बोलूंगा, डिस्टेंस बोलूंगा। और इसका अगर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम लिया तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एवरेज स्पीड बन जाएगा। अच्छा तो सर इंस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी ये क्या होते हैं? आप तो सोचो, जैसे कि मान लो आपने, आपको कॉल आया कि ना, आपको घर पे कॉल आया कि हर्षल आप जल्दी से घर से निकल के मेडिकल आओ, कुछ एक इमरजेंसी सिचुएशन है, किसी का तबियत खराब है, ठीक है, आपका दोस्त का थोड़ा तबियत खराब हो गया, बहुत सीरियस मैटर है, तो जल्दी आओ। तो आप क्या करोगे, गाड़ी को ऐसे ये मतलब निकालो गाड़ी से और जोर से घुमाओगे और पटके ना दौड़ के चले जाओगे कहाँ तरफ, ये हॉस्पिटल की तरफ जाओगे। अब रास्ते में अगर ब्रेक आया, मतलब रास्ते में अगर क्या आया, हम्स आया या फिर ट्रैफिक आया, तो आपको अटकना पड़ेगा, उधर तो रुकना पड़ेगा। अभी देखिए पूरा हाईवे है, तो क्या करोगे, जोर से स्पीड करके चले जाओगे। अब कोई अगर पूछा आपको कि भाई मुझे ये बताओ कि आप जो घर से निकले और आपका दोस्त के जगह पे पहुंच गए, कहां पर पहुंच गए, हॉस्पिटल में पहुंच गए, तो उधर तक आपका एवरेज वेलोसिटी कितना है, तो आप क्या करोगे, भाई कुल मिला के अगर मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे में जाऊंगा ना तो पहुंच जाऊंगा, पहुंच जाता हूँ, मतलब मेरे पास शायद घर से इधर तक अगर 800 मीटर का दूरी था और मैंने 10 मिनट में पहुंच गया, तो 800 डिवाइडेड बाय 10 मैंने गया कितना, 80 मीटर पर मिनट गया, ठीक है, ये मेरा एवरेज वेलोसिटी था। बट क्या आप 80 मीटर पर मिनट हमेशा जा रहे थे? नहीं, हमेशा नहीं जा रहे थे। आपको अगर पूछा गया, जो ट्रैफिक पुलिस था ना, ट्रैफिक पुलिस था, उसके जस्ट 5 मिनट पहले आपका वेलोसिटी कितना था, या फिर 5 मिनट पहले आपका स्पीड कितना था, मतलब एट ए पर्टिकुलर मिनट, उसी को बोलते हैं इंस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी, मतलब एट ए सर्टेन टाइम। जैसे कि मान लो, डेफिनेटली जैसे कि मान लो पूछा कि भाई बताओ, ये आप ऐसे जा रहे थे, आप इधर क्या होगा, ऐसे थोड़ा कम हो गया स्पीड, थोड़ा अभी थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, और पूछा इधर इसका स्पीड कितना है बताओ, या फिर इस पॉइंट में इसका स्पीड क्या है बताओ, ये पॉइंट में क्या है, ये पॉइंट में क्या है, ये आपको पूछा गया। मान लो ये डी सी, ये डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट, क्या आपको लग रहा है आप बता सकते हो, है कौन बता सकते हो बताओ, सर ये देखो इधर चला गया, वो उधर चला गया, देखो वो 40 किलोमीटर जा रहा था, वो नहीं बोल पाओगे आप। उसके लिए क्या करना चाहिए, उसको, हाँ आप बोल सकते हो कैसे, आपका जो स्पीडोमीटर रहता है ना, आप इसमें देखोगे आपका मोटर बाइक में या फिर कार में रहता है एक स्पीड, ऐसे एक हमेशा फ्लक्चुएट करता है, ऐसे स्पीडोमीटर बोलते हैं, स्पीडोमीटर, तो वो एट ए पर्टिकुलर टाइम दिखाते हैं कि कितना स्पीड होता है, उसी को बोलते हैं अपन इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। इस केस में क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगा, इस केस में क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगा। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस इंस्टेंटेनियस स्पीड पे आते हैं, वेलोसिटी पे नहीं आते, रीजन बिंग वो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रियल लाइफ में ज्यादा कुछ एप्लीकेशन है ही नहीं, ठीक है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। एट ए पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड कितना आएगा, मतलब बहुत कम इंटरवल है, आंख पलक झपक झपकते ही कितना स्पीड हो, अच्छा 10 सेकंड का, ये 10 सेकंड को ज्यादा आ गया, 1.1 सेकंड में वो कितना स्पीड में ट्रैवल किया, ठीक है। अब होता क्या है, ये दोनों ही वेक्टर्स होते हैं, दोनों ही वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर मतलब ये दोनों का ही मैग्नीट्यूड है। जैसे कि मुझे बताओ, इस केस में ये जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस का तो डायरेक्शन ही था, क्योंकि हर बार चेंज हो रहा है, मैं से गाड़ी घुमा रहा हूं तो हर बार मेरा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट का कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन है। एवरेज स्पीड तो डायरेक्शन कौन सा आएगा, कुछ नहीं ऐसे, क्योंकि हर वक्त स्पीड तो चेंज हो रहा है। एवरेज वेलोसिटी का, हाँ कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन तो है, और वो कौन सा डायरेक्शन, यही वाला डायरेक्शन है। बट इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों ही वेक्टर्स है, लिखो बोथ आर वेक्टर्स, दोनों ही वेक्टर्स है। आप चौंक जाओगे, कैसे सर, स्पीड वेक्टर्स नहीं है, मतलब उसका डायरेक्शन नहीं है, बट इंस्टेंटेनियस स्पीड वेक्टर्स है, बोलो हाँ कैसे। देख बेटा, जब मैं इस पॉइंट पे, सिर्फ इस पॉइंट में स्पीड बढ़ा रहा हूं, तो उस टाइम पे मेरा जो गाड़ी का जो हैंडल, वो तो इसी डायरेक्शन में होगा ना उसी टाइम पे, हाँ 2 सेकंड बाद चेंज हो जाए, वो मुझे कुछ क्या फर्क पड़ता है, बट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट उसका तो फिक्स्ड है। तो इस पॉइंट में डायरेक्शन कौन सा होगा, ये वाला डायरेक्शन होगा। इस पॉइंट में कौन सा डायरेक्शन होगा, ये वाला होगा। ये पॉइंट में ऐसे होगा, ये पॉइंट में ऐसा होगा, ये पॉइंट में ऐसा होगा। तो हर एक पॉइंट में डायरेक्शन है, बट एवरेज में डायरेक्शन नहीं। सो दैट्स व्हाई इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ए वेक्टर, बट नॉर्मल या एवरेज स्पीड इज नॉट ए वेक्टर। क्या ये बात क्लियर हुआ आपको? ये बहुत चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हाँ, हर एक पॉइंट वेक्टर है, हर एक पॉइंट का डायरेक्शन है, वेक्टर मतलब डायरेक्शन होगा, ठीक है, ये बस इतना ही काफी है।
हर एक पॉइंट का डायरेक्शन है, बट ओवरऑल इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। क्लियर है? इंस्टेंट स्पीड का डायरेक्शन है बट एवरेज स्पीड का डायरेक्शन नहीं है। ओके गुड। अब होता क्या है कि ये सब कुछ निकालने के लिए अपने को डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है? जैसे कि वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितना होता है? एवरेज वेलोसिटी होता है आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, नहीं डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया और कितना टाइम में कवर किया। बट इस केस में टाइम तो बहुत बड़ा टाइम नहीं है, ये इतना बड़ा टाइम पे वो ट्रेवल कर रहा था ऐसे तो नहीं, वो बहुत छोटे टाइम मतलब ऐसे पलक झपक, अरे चला गया वो पलक झपकते ही, तो उतना कम टाइम में मुझे क्या निकाला है? वेलोसिटी निकाला है। ये जब टाइम जब जीरो हो जाएगा ना अप्रोक्सीमेटली, तब वो मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालना है। इसीलिए अगर मैं डिस्टेंस को एस मान के चलता हूँ, टाइम को टी मान के चलता हूँ, तो मेरा एवरेज वेलोसिटी कितना होता है? चेंज इन पोजिशन, कितना चेंज हुआ डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, कितना टाइम चेंज हुआ, ये बड़ा वाला, ठीक है बड़ा वाला। जब मैं टाइम को बहुत छोटे कर दूं, मतलब ऐसे पट बहुत कम टाइम मुझे देखना है किसका स्पीड कितना है, तो उसको अपन क्या लिखते हैं? डीएस अपॉन डीटी, ऐसे लिखते हैं। ये डेल्टा जो बिग इंटरवल के लिए ना, बिग इंटरवल के लिए, और ये डीएस बहुत स्मॉल इंटरवल के लिए। अब तो पलक झपकते हो कितना टाइम गया होगा, मतलब कितना डिस्टेंस गया होगा? बहुत कम डिस्टेंस गया होगा। और पलक झपकते हो कितना टाइम गया होगा? बहुत कम, मतलब 0.001 सेकंड गया होगा। दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड। अभी कैसे निकालते हैं इसके लिए आपको डेरिवेटिव चाहिए। अगेन बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। कितने बच्चों को डिफरेंशिएशन नहीं पता, ये बताओ मुझे पहले। हाउ मेनी ऑफ यू नो डू नॉट नो डिफरेंशिएशन? कि सर डिफरेंशिएशन क्या पढ़ाया सर, कुछ समझ में नहीं आया, मतलब पकाव था डिफरेंशिएशन नहीं आता है, वो सिर्फ कमेंट करें। अच्छा सबको आता है? नहीं, बोल दो क्लियरली बोल दो। कितने जो नया बच्चे ज्वाइन होंगे वो लोग पहले बार सुन रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा पता है। अच्छा और कोई? अच्छा कितने बच्चों को डिफरेंशिएशन आता है? देखो कोई सर्व नहीं करना, थोड़ा सा आता है। अच्छा और किसको? लिटिल ट्विंकल लिटिल स्टार आता है, परिमल को पूरा आता है। गुड, बहुत बढ़िया, सच में पकाओ था। ओहो, सृष्टि पूरा तंग हो गया, पूरा तंग हो गई हो। क्या जिंदगी यार, क्यों साइंस लिया, उसे फिजिक्स आ गया मेरे पास, फिजिक्स में डिफरेंशिएशन, ऐसे तो मैथ्स नहीं लेना था मुझे, इसलिए तो बायोलॉजी को शिफ्ट किया। फिर भी मैथ्स पीछे नहीं छूटता है, वो उतना पूरा आता है। ओके गुड। एनीवे, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, बट मुझे ये पढ़ाना पड़ेगा। तो टुडेज क्लास विल बी डेडिकेटेड ओनली फॉर डिफरेंशिएशन, एंड आई ओनली नीड 20 मिनट्स टू अंडरस्टैंड डिफरेंशिएशन क्या है, और मुझे जितना चाहिए मैं सिर्फ उतना ही उठा के ले जाऊंगा, मुझे ज्यादा मगजमारी नहीं करना है। और आज एक आई थिंक 15-20 पेज का एक बुकलेट आपको अपलोड हो जाएगा, तो बुकलेट में करीबन डिफरेंशिएशन करने के लिए 75 क्वेश्चंस के आसपास है, बहुत सिंपल डिफरेंशिएशन है, वो कर लेना, ठीक है? वो करोगे तो आपको अच्छे से डिफरेंस पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अब थोड़ा स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखो डिफरेंशिएशन थोड़ा सा मैं कवर अप कर लेता हूँ, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अगेन ये बहुत कुछ नया चीज नहीं है, आपको ये सब कुछ ऑलरेडी पता है। मैं डिफरेंशिएशन क्या होता है क्या नहीं होता है मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं है, बट मुझे क्या चाहिए बस मैं उतना उठा के लेके आ रहा हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू नो कि 2+2=4? रिप्लाई मत करो, मुझे पता है, सबको पता है, ठीक है? कितने जन को पता नहीं, किसको नहीं पता होगा तो मुझे बोलना। 2 × 2 = 4 होता है। हाउ मेनी ऑफ यू नो 8/2 = या फिर 8/4 = 2 होता है?
हाँ भाई, ये जो मैं चार पांच चीज लिखा हूँ इसमें किसी डाउट है कि सर हमें नहीं पता कि 2 + 2 = 4 होता है, 2 × 2 = 4 होता है, 8 / 4 = 2 होता है, 4 / 2 = 16 होता है, 6 - 3 = 3 होता है? नहीं, ये तो बहुत आसान चीज था। तो डिफरेंशिएशन कुछ ऐसा ही है, आपने कभी सोचा नहीं इसके बारे में। बाय द वे आप मुझे बताओ, ये बाय द वे 2 और 2 इधर तो, अच्छा ये थोड़ा, अच्छा इसको ऐसे करता हूँ, 2 + 3 = 5 करता हूँ और 2 × 3 = 6 कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, थोड़ा सोचो, ब्लैक आए क्या? यस सच, क्या हुआ? ब्लैक ब्लैक ठीक हो गया ना? अभी क्लियर ना अभी पूरा? हेलो, हाउ डू डू बच्चे लोग? नो, अच्छा क्लियर नहीं है क्या अभी तक? तो क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? क्लियर है ना? क्लियर है ब्लैक? अरे कैसे का ब्लैक? कैसे कुछ बच्चों को ब्लैक, कुछ बच्चों क्लियर दिख रहा है? अच्छा ब्लैक क्लियर है। ओहो, ब्लैक क्लियर है मतलब पूरा व्हाइट हो गया। सही है, क्या बात है, क्या बात है। आपने कभी सोचे थे कि ये 2 और 3 के बीच में कुछ एक डाल दिया और उसका आंसर 5 आ रहा है, 2 और 3 के बीच में कुछ डाल दिया उसके 6 आ जाएगा, ऐसे कैसे? क्या इसमें से क्या खास चीज है? ये कुछ एक चीज है, उसको अंदर डाल दे तो 5 आ रहा है, इसको अंदर डाल दे 6 आ रहा है। अच्छा, जो कि ये कहाँ, इधर कहाँ 5 है कहाँ 6 है? कुछ नहीं है, 5 ऐसे और 6 ऐसे ही आ गया। अच्छा सच में, सच में, सच में, सच में, ऐसे सच में मैं देखो सोचा ही नहीं था। अच्छा 8 है, ये 4 है, बीच में कुछ एक साइन डाल दिया, पता नहीं क्या साइन है, पर आंसर 2 आ गया। हाँ सर, ये तो सच बात है, ऐसे कैसे क्या हो सकता है? अच्छा, और इधर 4 है, ऊपर 2 लग गया कुछ, तो ये ऊपर रख दिया 2 तो ये 6 रह गया। हाँ, क्या क्या चल रहा है? उसके भी सच है इसके बारे में। और ये 6 था, इधर 3 था। हाँ ये तो मानता हूँ कि चलो ठीक है, इसको चेंज कर देता हूँ, ये 4 हो गया, इधर 2, 6 और 4 में कुछ एक साइन डाल दिया और 2 बन गया। कैसे? क्या कभी सोचे हो ये सब कुछ क्या है, क्या चल रहा है भाई? कभी सोचे हो इसके बारे में कि बीच में कुछ साइन अलग अलग डाल दो तो अलग अलग वैल्यू आ जाएंगे? कभी सोचे थे इसके बारे में? हैव यू एवर थॉट ऑफ इट कि ऐसे क्यों है? ये साइन का मतलब ये क्यों होता है, ये साइन का मतलब यही क्यों आता है, ये साइन का मतलब ये क्यों आता है? 4 / 2 = 16 कितना आता है, और ये 6, ये कुछ एक साइन थी ना, कुछ एक साइन का मतलब 2, ऐसे क्यों होता है? व्हाई व्हाई दिस कोलैबोरेटिव बाय द वे? आप सुनो, ये सारे चीज को, ये जो प्लस, और हाँ और तो रह गया कि ये कुछ एक, मैं कुछ एक डाल दिया और ये 30 डिग्री ऐसे लिख लिया, और ये 30 डिग्री कितना बन जाएगा पता नहीं, 30 डिग्री 1/2 बन जाएगा। ये 30 डिग्री किधर है, साइन किधर है, 1/2 किधर है? कोई सामंजस्य इनके अंदर? कुछ भी फेंक रहे हो सर आप, पूरा पहले क्लास में बेवकूफ बनाया जा रहा था। क्या है ये सारी चीज, है ना, इससे क्या है ना? तो सोचो इसके बारे में। कुछ वैसे ही ये सारे चीज को, ये जो प्लस, ये जो सिंबल है, इनटू ये वाला सिंबल है, डिवीजन ये वाला सिंबल है, और जो एक्सपोनेंट ये वाला जो बोलते हैं ना, एक्सपोनेंट पावर के फॉर्म में आया ये वाला सिंबल है, और ये जो नेगेटिव ये वाला सिंबल है, ये जो साइन, ये सारे चीज को हम बोलते हैं ऑपरेटर। दिस ऑल आर कॉल्ड ऑपरेटर। ये सबको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप पानी को फ्रीज में रख दोगे तो क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगा, नहीं? या फिर अगर आप वो रॉ मटेरियल को लेके आप मशीन में डालोगे तो कुछ एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकल जाता है, नहीं? वैसे ही ये दो रॉ मटेरियल के अंदर कुछ एक ऑपरेटर को पुट किया, फिर कुछ एक मशीन को पुट किया, वो मशीन एक आउटपुट देगा। वैसे ही कुछ होता है डिफरेंशिएशन के साथ। एक होता है फंक्शन एफ ऑफ एक्स, आई थिंक ये पहली बार जान रहे हो या फिर 10th क्लास में पढ़े होगे। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² + x है, मतलब ये जो फंक्शन है ये एक मशीन है, ये मशीन को क्या, ये उसके अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है और ये उसका रॉ मटेरियल है। अगर इस रॉ मटेरियल में 1 पुट करूं तो मेरे पास आंसर कितना आएगा? 1 / 2 = 1 आ जाएगा। इस रॉ मटेरियल का जब 2 पुट किया तो 2 / 2 कितना आएगा? 4 + 2 कितना आएगा आपका? 6 आ जाएगा। ऐसे आ जाएगा सारे नंबर्स, ठीक है। वैसे ही ये सारे जैसे ऑपरेटर्स हैं, वैसे d/dx एक ऑपरेटर है, दिस इज एन ऑपरेटर, ये एक ऑपरेटर होता है।
जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी कि प्लस का मतलब क्या होता है, दो नंबर को ऐड करना होता है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ कि दो, मतलब जैसे 2 into 3, मतलब दो को तीन बार ऐड करना है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 into 3 = 6। 8 divided 4 मतलब क्या, 8 को 4 में डिवाइड करना है, ठीक है। और आपने क्या किया, अच्छा मुझे बताओ, कोई मुझे बोल सकता है ये 2 + 3 = 5 क्यों हुआ, मैं बताऊं? हाँ बिल्कुल सही है, कंप्यूटर लैंग्वेज उसको ऑपरेटर बोलते हैं। ये सब कंप्यूटर ही तो है, हम सब कंप्यूटर का पढ़ाई तो पढ़ रहे हैं बस, बाय द वे आगे से कंप्यूटर ही तो बनना है अपने को। तो 2 + 3 = 5 ये आप याद रखे हो, ठीक है ना, बहुत बेसिक से आपको याद रखे हो, जो 1 + 1 = 2 होता है, 2 + 3 = 5 होता है, 3 + 6 = 9 होता है, नहीं उसके बाद आप 17 + 18 ये आप उस टूल्स को यूज करके इसको फंडामेंटली यूज, मतलब 7 + 8 = होता है 15, 15 से बचा 5 रहा 1, 1 + 1 + 1 बना 3, तो 35 हुआ, ठीक है। वैसे ही इस ऑपरेटर का बहुत बेसिक फंडामेंटल चीज अपने को याद रखें, क्लियर है? जैसे कि 2 into 3 = 6 आप याद होगा, जो फोर्थ क्लास में जब आप थे उस टाइम पे आप रट्टा लगा रहे थे, दुई के दुई दुदने चार, ऐसे याद रखो ना, मतलब 2 1 = 2 2 2 = 4 2 3 = 6 2 4 = 8 2 5 = 10, वो कितना लगता है आपको? हाँ? एक दसवीं का क्लास में बच्चों को पूछूंगा तो भी वो बोल नहीं पाते कभी कभी, 9 into 6 जा कितना गया, 9 into 6 सर 40 सर, 40 सर 9 into 6, अबे 9 into 6 15 सर, 15 15, अबे मल्टीप्लाई करना है ऐड नहीं करना है ना, बच्चे बोलते हैं। वैसे ही इस ऑपरेटर को आपको ऑपरेट करना आने के लिए आपको बहुत बेसिक फंडामेंटल चीज आना चाहिए, जो कि फिलहाल के लिए आपको याद रखना है, ठीक है ना। वो क्या होता है, ऑफकोर्स मैं थोड़ा सा बताऊंगा, बट वो कैसे आता है, वो क्या होता है क्या नहीं होता है, वो आपको मैथ्स का टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। आई डोंट हैव एनी कंसर्न, मुझे वो चाहिए ही नहीं, ठीक है, मुझे बिल्कुल भी चाहिए कि वो क्या है सारी चीज। सो दैट्स व्हाई आई विल रिक्वेस्ट यू टू रिमेंबर सम ऑफ द फॉर्मूलास। ये फंडा तो समझ में, एक ऑपरेटर है, ये कौन से किसके बराबर है, जैसे प्लस मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन एक्सपोनेंट लॉगरिथम एंटी लॉग वगैरह वगैरह, अंकल लोग आंटी लोग सारे लोग जो हैं उसी के जैसे ही ये एक डिफरेंशिएशन एक ऑपरेटर है, वैसे ही एक ऑपरेटर इंटीग्रेशन है, ये भी एक ऑपरेटर ही है। अब इनका काम क्या है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि इनका काम क्या है, ठीक है। अब सुनो, आप ध्यान सुनो मैंने क्या किया, जैसे कि इस प्लस ऑपरेटर के साथ दो आइटम को इधर उधर डाल दिया तो एक तीसरा आइटम आ गया, तीसरा कुछ प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। वैसे ही मैं इस ऑपरेटर के साथ कौन सा, ये जो डी और डीएक्स, इस ऑपरेटर के साथ मैंने अगर इस रॉ मटेरियल को पुट किया x^n, ठीक है ना, प्रोवाइडेड दैट ये x और ये x ये दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो आंसर क्या आता है, ये n उधर चलता है, n(x^n-1) ऐसे होता है, ये जानना होता है, ये आपको याद रखना होता है, क्लियर है। अब इधर x के जगह में, इधर अगर x है और इधर अगर y है, ठीक है, इधर अगर x है और इधर y है, ऐसे है, तो क्या ये डिफरेंशिएशन कर सकता हूं? नहीं, मुझे नहीं आता। या फिर आप बोलोगे ये जीरो होगा, जैसे कि कुछ ऐसे है, अगर एक नंबर के साथ एक नंबर ही ऐड कर सकते हो, एक नंबर के साथ एक अल्फाबेट ऐड कर सकते हो क्या? मैं अगर ये पूछा आपको 2 + a = कितना होगा, आप बोलोगे सर क्या सर बकवास ही पूछ रहे हो, 2 + 3 पूछो ना, मैं बोल दूंगा, समझे। वैसे ही डिफरेंशिएशन, ये इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x^n विथ रेस्पेक्ट टू x, क्लियर है ये चीज, जिंदगी में कभी नहीं बोलना। 2 + 3 = 5 होता है, वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ x^n विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होता है, n(x^n-1), ये बात क्लियर है या नहीं? ये कैसा आया मुझे नहीं पता, एंड मुझे कोई दिलचस्पी नहीं इसको कैसे है मुझे डिराइव करने के लिए, ऑफकोर्स आई कैन डू इट बट नॉट एट ऑल नेसेसरी, वो जरूरत नहीं, मुझे आपको एक साल लगेगा उसको समझाने के लिए। फिर से क्या ये बात आप याद सकते हो, रिप्लाई करो रिप्लाई इट नाउ। डेरिवेटिव ऑफ इसको क्या पढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ, इसको हम पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ, मुझे बस कुछ क्वेश्चंस करवाने हैं बस, डेरिवेटिव ऑफ x^n विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसे इसको ऐसे पढ़ते, डेरिवेटिव ऑफ x^n विथ रेस्पेक्ट टू x, ये वाला एक ऑपरेटर है, और ये किसके ऊपर,
एक्स रेज टू एन, ये रॉ मटेरियल है, इस रॉ मटेरियल के ऊपर ऑपरेट होने के बाद ये मेरा आंसर आ रहा है। जैसे कि 30 डिग्री के ऊपर, 30 डिग्री के ऊपर अगर मैं साइन पुट करूंगा तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। ये साइन एक ऑपरेटर है, ट्राई टू फिल द फैक्ट। हाँ, हालांकि मुझे पता है कि डेफिनेशन साइन का क्या, परपेंडिकुलर अपन बेस, मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, बट फिलहाल के मुझे डेफिनेशन नहीं पता, वो मैं आगे जाके पढ़ने वाला हूँ। ठीक है सर, गैलीलियो दिया था, पता नहीं भाई कौन दिया, मुझे तो ये हेडक आता है कि क्यों दिया भाई, नहीं दिया तो अच्छा होता, पढ़ना नहीं पड़ता अपने को, नहीं यशराज क्यों दिया क्यों भाई तुम्हें। ठीक है अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, इसी को अप्लाई करें, कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि माला पूछा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कितना आएगा, सिंपल सा फंडा है, ये टू है इधर आ जाएगा, टू इधर आ जाएगा, इधर जो वो उधर लेना है और एक पावर को घटा देना है इधर, मतलब ये आ जाएगा एक्स रेस टू टू माइनस वन, मुझे ज्यादा डीपली जाना ही नहीं है, तो टू इंटू एक्स रेस टू टू माइनस वन आ जाएगा, वन आ जाएगा टू एक्स। ठीक है, जैसे डेरिवेटिव ऑफ एस है, अगर एक्स क्यू है तो कितना आ जाएगा, बहुत सिंपल सिंपल चीज, मुझे ज्यादा डिफिकल्ट मतलब जरूरत ही नहीं, ठीक है, मुझे डिफिकल्ट चीज जरूरत नहीं है, जब बड़े हो जाएगा तब मैं बस सिखाऊंगा। तो तीन को इधर उचका के लूंगा और एक पावर को घटा दूंगा, तो तीन माइनस वन टू आ जाएगा, सिंपल है। वैसे ही अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू फाइव लिखू, ये ऑपरेटर कौन सा, ये आपका ऑपरेटर है, सॉरी डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर है और एक्स रेस टू फाइव आ गया। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये सिंपल चीज है, बस ये वाला फंडा आपको याद रखना है, डेरिवेटिव एक्स रेस टू है, ये वाला चीज याद रखना है, वो कितना आ जाएगा, फाइव, एक नीचे मल्टीप्लाई होगा, एक्स रेस टू फोर आ जाएगा, 5x, हाँ मिल सही है, गुड। अब जैसे कि मान लो ये पूछा डेरिवेटिव ऑफ थीटा रेस टू 10 विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो होगा क्या बेसिकली, कि वो जो थीटा है, ठीक है, ये भी नीचे थीटा है तो ऊपर थीटा है, तो काम चलता है, ठीक है, काम चलता है। फिलहाल मैं थोड़ा इसको चेंज करता हूँ, चेंज करता हूँ, आप थोड़ा ये थोड़ा फील करो, इसको नहीं लिख के मैं अगर ऐसे भी लिखा, डेरिवेटिव ऑफ समथिंग रेस टू एन विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग, दिस समथिंग कैन बी एनीथिंग, ये समथिंग can be anything, that will give me n times of something raised to n minus 1. मतलब derivative of हाथी raised to n with respect to हाथी, ठीक है ना, derivative of हाथी raised to n with respect to हाथी equal to n into हाथी times of n minus 1. आप इसके जगह मिलिंद डाल दो, इधर ही मिलिंद आ जाएगा, इधर ही मिलिंद आ जाएगा, यशराज डाल दो, यशराज आ जाएगा, सावरण डाल दो, सावरण आ जाएगा, किसी को डाल दो, ठीक है, किसी को डाल दो, रॉ मटेरियल से मशीन में प्रोसेस होकर वही फिर से निकल के आ जाएगी, बस थोड़ा उसका हाथ पैर नहीं होगा, कुछ तो नहीं होगा, ठीक है, कुछ तो नहीं होगा, ये पावर एक घट गया वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे ही कुछ होगा। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब सर आप ये बोलना चाहते हो कि अगर मैं कल को ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का पावर 5 विथ रेस्पेक्ट टू साइन एक्स, तो इसका आंसर क्या आएगा सर, बोला सिंपल, बाहर में जाए क्या लिखा है, मुझे क्या लगता है इसको क्या लिखा है, डेरिवेटिव समथिंग रेस टू फाइव विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग लिखा हुआ है, तो कितना आएगा, फाइव इंटू समथिंग रेस टू एक पावर घटा दो, ये आ जाएगा, ये अपने नया टूल सीखे। इधर तक किसी को डाउट है तो पूछ लो, इधर तक टिल दिस एनीवन हैज एनी डाउट्स, पट 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 आंसर दो जल्दी से, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन क्लियर आया, करना क्या होता है अपने को, पावर को पीछे लाके एक पावर को घटाना होता है, अरे रिप्लाई तो करो रे, हाँ क्लियर है, ओके गुड, सानिका ने बोला क्लियर है, ओके, ये आपको पता होगा, फिर भी ये एक नया चीज है, आपको विदाउट द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव आप ये कर सकते हो सारी चीज, क्लियर है, अच्छा ओके 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 ओके, तो मैं थोड़ा बहुत थीटा का रिपीट, अच्छा थीटा का रिपीट करूं, अच्छा ये होता ना कि क्वेश्चन देखो डर जाते, थीटा क्या होता है, हम तो सिर्फ एक्स पढ़ के आए थे, साइन एक्स किधर से आ गए भाई, हम सिर्फ एक्स पढ़े थे, ये ऐसे है, मैं आपको बोलता हूँ ना कि डेरिवेटिव ऑफ कुछ भी विथ रेस्पेक्ट टू एन विथ रेस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग रेस्ट टू एन विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग कितना आएगा, एन इंटू समथिंग रेस्ट टू एन माइनस वन। अब थोड़ा सोचो ओमकर, मैं अगर ये समथिंग के जगह मैं थीटा पटक देता हूँ, ये वाला चीज ना, ये वाला, ये तो अभी जस्ट बताया, इधर एक्स, इधर अगर मैं एक्स 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 डाल दूंगा तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस्ट टू एन with respect to x equal to n into x raised to n minus 1, ठीक है,
इसके जगह में मैं अगर थीटा डाल दूं तो इधर भी थीटा आ जाएगा, इधर भी थीटा आ जाएगा, बन गया डेरिवेटिव ऑफ थीटा रेस टू टेन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा कितना आएगा, टेन इंटू थीटा रेस टू एन आ जाएगा, नाइन आ जाएगा, वैसे ही एन इंटू थ्री एन माइनस वन आ जाएगा। क्लियर है ओमकार ये वाला चीज? अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते, मैं कुछ क्वेश्चंस एक दो करता हूँ। ओमकार क्लियर है? डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू वन बाई टू ये कितना आएगा? हाँ अब समझ आया, खैर ये चीज क्लियर करना ठीक ना, दोबारा नहीं बताऊंगा, बोलो दोबारा नहीं बताऊंगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू वन बाई टू कितना आएगा? बहुत सिंपल चीज है, क्या करूं, करना क्या होता है, एक्स एक्स हाँ बराबर है, अब आगे क्या बढ़ेंगे, ये वन बाई टू को पीछे लेके जाना है, तो ले लिया वन बाई टू को पीछे, ये ले बेटा। अब क्या करना है, एक्स का पावर क्या करना है, एक घटा देना होता है, इसको इधर उठाओ एक्स का पावर घटा दो, तो एक घटा दिया कितना आएगा, वन बाई टू माइनस वन, तो आपका आंसर कितना आएगा, वन बाई टू टाइम्स ऑफ एक्स रेस टू वन बाई टू माइनस वन कितना आएगा, माइनस वन बाई टू। ये मैथ्स है ठीक है, मैथ्स मैथ्स, तो ये आपका आंसर है। सिमिलरली मैं अगर ऐसे पूछता हूं डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू थ्री बाई टू पूछा, मैंने फिर से देखा ये तो आपका ऑपरेटर है, एक्स और एक्स बराबर है, हाँ तो मैं फॉर्मूला पुट कर सकता हूँ, पहले ये चेक करना ये एक्स और एक्स बराबर है क्या। अब इधर कितना आएगा, थ्री बाई टू, तो पीछे कितना आएगा, पीछे आएगा थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ एक्स का पावर कितना आ जाएगा, एक घटेगा, एक घटेगा ठीक है, एक घटेगा, ध्यान रखना हमेशा एक घटता है, पावर एक घटेगा, पावर एक घटेगा, तो कितना बनेगा, थ्री बाई टू माइनस वन, तो ये कितना बनेगा, थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ एक्स रेस टू थ्री बाई टू माइनस टू, टू इधर मल्टीप्लाई होगा थ्री माइनस टू आ जाएगा, थ्री माइनस टू वन आ जाएगा, वन बाई टू आ जाएगा, ये आपका आंसर। वैसे ही मैं अगर ये करूं डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू फाइव अपॉन सेवन, अच्छा एक चीज बता दूं, अगर आप ऐसे भी लिखोगे ना, मान लो ऐसे हो गया थ्री से, मान लो मल्टीप्लाइड है थ्री टाइम्स ऑफ एक्स रेस टू फाइव अपॉन सेवन ऐसे है, तो थ्री तो कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। सर साउंड नहीं आ रहा है, वही साउंड नहीं आ रहा है क्या, ऐसे सृष्टि को नहीं आ रहा है, हेलो साउंड आ रहा है, आला क्या साउंड, साउंड आला कहा, आला आला सृष्टि थोड़ा देख लो, आपका कुछ तो इंटरनेट का इश्यू होगा। तो ये अगर ये थ्री अगर बाहर है ना, थ्री अगर ऐसे मल्टीप्लाइड है इसके साथ, मतलब ऐसा कुछ लिखा है थ्री इंटू एक्स एस टू फाइव अपॉन सेवन, तो थ्री को सिंपली बाहर लेके आ रहा है, कुछ कुछ काम का नहीं, थ्री थ्री ऐसे बाहर आ जाएगा ठीक है, इसको बाहर लेके ब्रैकेट में क्लोज कर दो भाई, तू बैठ इधर। अब क्या करें, एक्स एस टू फाइव अपॉन सेवन को मैं क्या करूं, जो पावर है उसको पीछे लेके आऊं, पावर को पीछे लेके आ गया, और जो पावर है एक्स का पावर है उसको क्या करूं, पावर को एक घटा दूं, मतलब कितना आ जाएगा, फाइव अपॉन सेवन माइनस वन। करना क्या होता है, पावर को पीछे लाके मल्टीप्लाई करना होता है और पावर का घटाना पड़ता है, दैट्स ऑल। तो आपका आंसर कितना आएगा, तीन पंच पंद्रह, फिफ्टीन अपॉन सेवन टाइम्स ऑफ एक्स रेस टू, ये फाइव आ जाएगा इधर सेवन, फाइव माइनस सेवन आ जाएगा माइनस टू अपॉन सेवन आ जाएगा, याद। हाँ मिलिंद ने आंसर सही दिया, ओके मैं नेट इशू या बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, मुझे करके बताना कि इसका आंसर क्या आएगा ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होगा, टेंशन मत लो, और डिफिकल्ट क्वेश्चन कभी आता नहीं है, एग्जाम में ना भला आदमी होता है, ये जान के रखना, हम सब ये जान के हम पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो डेरिवेटिव ऑफ, तो चल नहीं रहे, थ्री टाइम्स ऑफ एक्स रेस टू वाई रेस टू फोर विथ रेस्पेक्ट टू वाई, इसका फॉर्म, इसका आंसर क्या आएगा। अगला क्वेश्चन आंसर बताते चलना, मैं क्वेश्चन देते चल रहा हूं आपको, देखते हैं। वन बाई टी, अगला क्वेश्चन वन बाई ए स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ थीटा थीटा का पावर टू बाई थ्री, एक एक आंसर सबको देते चलो, उसके बाद हम आगे बढ़ते चलेंगे। पट 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 सारे बच्चे आंसर चलो।
फर्स्ट का 12y^4 y^3 आएगा भावेश, गलत किया पहले ही, इतना जल्दी आंसर नहीं देना चाहिए था आपको। हाँ सृष्टिका सही है, गुड। नेक्स्ट आप आंसर तो चलो फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलना जरूरत नहीं, क्यों मुझे वेरिएबल से पता चलेगा। टी एस थीटा है, थीटा को आप जीरो से जोड़ कर सकते। स्नेहल का बहुत बढ़िया, गुड स्नेहल। सृष्टिका आया नेक्स्ट, मुझे पता यशराज सारे का आंसर लिख के एक बार डालेगा। जल्दी जल्दी जल्दी, थोड़ा सामने होता ना तो पटकन करके मैं दिखाते। ओके टाइपिंग करने दिक्कत जाता आपको। अब एक काम कर, आपको 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, आप सब कुछ कर ले उसके बाद मैं नहीं दूंगा। अच्छा अच्छा आप ऑलरेडी आता होगा ये सारी चीज, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी डिफरेंशिएशन सीखने का एक दूसरा तरीका विदाउट ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है, विदाउट ज्योमेट्रिकल मीनिंग। नेक्स्ट ये जानवी और कौन कौन थे, श्रेयाज राजकुमार वगैरह, आप लोग एक भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। ओम चेडे आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए इसका, बट आपने आंसर बहुत गलत आया था आपका डीपीपी का। दीपांशु आप आंसर नहीं दे रहे हो। डीपीपी डीपीपी का सानी का, हाँ ओके। मिलिंद का वन का, अच्छा चलो मैं आंसर, सब पहले का आंसर दे रहे हो बस। चलो इसका आंसर तो बहुत सिंपल है, ये 3 बन जाएगा और ये 4 नीचे चला जाएगा तो 4 टाइम्स ऑफ y^3 आ जाएगा। ये तो सबको ही कर लिया, 3 4 12 12 इंटू वाई रहा, वाई का क्यूब कितना आ जाएगा, वाई क्यूब रहेगा। अब हाँ भावेश का सही है, गुड भावेश बहुत बढ़िया। अब इसको ना इसको कैसे टैकल करेंगे अपन, पहले तो मुझे पावर के फॉर्म में लिख के आना है, मतलब d/dt ऑफ ये बनेगा t^-1। इसको ध्यान देखोगे तो कितना बनेगा, 1/t कितना आएगा, t^-1 आएगा, राइट। अब होगा क्या, जब मैं माइनस वन को उधर उसका लेके जाऊं, क्यों हमें से क्या करना होता है, जो पावर है उसको उधर ले जाओ और पावर में एक घटा दो, घट गया तो आपका आंसर कितना आएगा सिंपली -1 × t^-2। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो कितना बनेगा, -1/t^2, t^-2 नीचे आ जाएगा। अच्छा गुड गुड, बहुत बच्चे बहुत बड़े ना, बहुत बड़ा भावेश का आंसर, भावेश ओमकार सिर्फ यही बच्चे आर्य है, सिर्फ यही बच्चे आंसर दे रहे, बाकी कोई तो सो गए मुझे लग रहा है। मम्मी को बोलेगा मम्मी खाना खाना ला, सर तो कुछ तो बोल रहे हैं। स्नेहल का भी आंसर है, गुड स्नेहल बहुत बड़ा। ये वाला आ जाएगा d/ds ऑफ, नीचे आ जाएगा ये s^-2 बन जाएगा, s^-2 कितना आ जाएगा आपका, फिर से -2 को उधर ले लूं और ये s को एक घटा दूं तो -2 - 1 आ जाएगा -3। अब इस केस में क्या करूं, d/d थीटा था, इस थीटा को लिख लिया -2/3 लिख लिया। मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं, आप ये क्लास ऑनलाइन क्लासेस करने के बाद आपको टाइप में तो फर्स्ट हो जाओगे, टाइपिंग मास्टर बन जाओगे आप, टाइप में मास्टर कर लोगे आप। और ये क्या बन जाएगा, -2/3 बाहर आ जाएगा और ये थीटा का पावर कितना बनेगा, 1 घटा दूं तो -2/3 - 1। फिजिक्स टीचर का बस इतना ही है, ठीक है, ये -1 से मल्टीप्लाई करने से -5/3 आएगा, वो मैथ्स। ओके गुड, तो बहुत सारे बच्चे ने सही सही आंसर दिए, मिलिंद का 2s आया शायद, उतना गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं, -2/3 -1 थोड़ा मुझे समझ में आ रहा है कि आप थोड़ा ये कर रहे हो, टाइपिंग में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ फॉर्मूला मैं लिखवाता हूँ, जो बच्चों को आता है बहुत बढ़िया, जो बच्चों को नहीं आता है बहुत बहुत बढ़िया, फिर भी आप लिखते चले या फिर आपको नोट्स तो ऐसे ही मिल जाएगा, कोई टेंशन मत। अब कुछ फॉर्मूला लिखो जो कि मैं डिफरेंशिएशन बहुत बेसिक चीज बोलने वाला हूँ, कुछ फॉर्मूला जो कि आपको याद रखना होता है, जैसे कि आप वो टेबल याद रखते हो ना, 2 2 = 1 2 2 = 2 होता है वैसे। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स ये क्या होता है, कॉस एक्स होता है, पहला चीज। दूसरा चीज सारे ट्रिगोनोमेट्री का ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का हम डेरिवेटिव याद रखना है ऐसे, डेरिवेटिव मैं कैसे याद रखना बता दूंगा सर टाइपिंग में, हाँ आई अंडरस्टैंड, बट कहीं पर डाउट होता है पूछ लेना, ठीक है ना, मैं समझ रहा हूँ टाइपिंग में दिक्कत हो रहा होगा। डेरिवेटिव कॉस एक्स कितना आएगा, इसका जुड़ा भाई माइनस साइन एक्स,
ये माइनस आता है। तीसरे में साइन कॉस हो गया, ये आपको याद रखना होता है क्योंकि ये सारे ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। टेन एक्स कितना आएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स बनेगा। चौथा में कितना आएगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स आएगा माइनस इसका भाई, सेक एक्स का भाई कौन है, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इसका भाई है, ठीक है। फिफ्थ में कितना आएगा, फिफ्थ में है डेरिवेटिव ऑफ साइन कॉस टेन कॉट बन गया सेक एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव आता है sec x into 10x, या आपको जानना होता है या आपको याद रखना होता है, बट मुझे अभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, जब मैं वेव्स वगैरह पढ़ाऊंगा तब मुझे जरूरत पड़ेगा, तब मैं हजार बार आपको पूछ चुका हूँ क्लास के बीच में, आपको याद रह जाएगा, उसका कोई टेंशन मत लेना। सुबह उठने के बाद इसका एक बार मुखमंडल दर्शन कर लेना, आपको याद रह जाएगा, नहीं तो छत के ऊपर जाके कौवा को याद दिलाना, आपको याद हो जाएगा, क्योंकि कर भला तो हो भला, आप दूसरे को भला करोगे तो आपको भला हो जाएगा। कौवा को जैसे ही याद रखा होगी ये सारे फॉर्मूला, तो कौवा अगले जन्म में पक्का IIT बनेगा या फिर नीट क्वालिफाई करेगी, उसके बाद क्योंकि वो नीट क्वालिफाई करेगी या फिर करेगा जो भी है, तो इसलिए आपको भी याद रह जाएगा। कौवा को याद रखने से आपका सारे फॉर्मूला याद रह जाते हैं, समझे। तो इसलिए काम है आपको कौ को याद दिलवाना है। अब कुछ और फॉर्मूला है, चलो इतने काफी, नहीं नहीं कुछ लिख लेते फिर भी, और एक कुछ फॉर्मूला लिख ही लो आप, बढ़ते याद रखने तो सब कुछ याद रख के चलते ना सर। log x अगर है, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x log, आप पढ़ रहे हो अभी मैथ्स में, डेरिवेटिव सबसे खूबसूरत है, सबसे खूबसूरत जो अपना डिफरेंशिएशन है वो ये है, e^x का डिफरेंशिएशन है e^x, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता, ठीक है। और क्या बचा, और कोई डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन बचा क्या, नहीं इतना काफी है। फिर भी और एक चीज याद ही रख लो, डेरिवेटिव ऑफ a^2x आता है a^2x log a बेस e, ये log वगैरह क्या होते हैं आपको मैथ्स में सर अभी पढ़ा रहे होंगे, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा इसके बारे में, या फिर आप 10 क्लास में पढ़ के आए होंगे। अब मुझे इसके ऊपर थोड़ा बहुत क्वेश्चन करके आपको छोड़ देना है, हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। क्वेश्चन लिखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन है एक्स क्यू प्लस साइन एक्स, और एफ ऑफ एक्स गिवन है 2x4 प्लस 4x3 माइनस 10x प्लस log x। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स रेस टू 2/3 माइनस 3x4 प्लस cosec x, ऐसे सारे फॉर्मूला है। अपने को तीन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको कल हम इसका एप्लीकेशन बताएंगे जो कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट वगैरह, और थोड़ा बहुत इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताएंगे, पर उसके पहले आपको वो बुकलेट पूरा सॉल्व करके आना है ना अच्छे तरह से, उसमें थ्योरी भी लिखा हुआ बहुत अच्छे से, सारी डिटेल से समझाया भी गया, तो बुकलेट सॉल्व करके कल आना ही आना है, ठीक है। अब मुझे अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, मतलब बेसिकली ऐसे डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे ऑपरेटर कौन है, डी ऑफ डी एक्स आपका ऑपरेटर है और ये आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट करना, इसका डिफरेंशिएशन मतलब इसका डिफरेंशिएशन एंड इसका डिफरेंशिएशन। अच्छा ये वाला चीज को और एक भी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं एफ डैश ऑफ एक्स, ये सारे सिंबल से हैं, आप धीरे धीरे समझ जाओगे, टेंशन मत लो, चिल मार के चलो। मिलिंद ने अभी तक आंसर दे दिया, गुड, बहुत ही बढ़िया। तो बेसिकली एफ डैश एक्स निकालना है मुझे, जो कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। आराम से देखना, अच्छे तरह से देखना, एक बार में नहीं समझ में आता है बच्चों को, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना आएगा, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का डिफरेंशियल कितना आएगा, 3 उस तरफ जाएगा और एक पावर घटेगा। साइन एक्स का डिफरेंस आएगा कॉस एक्स, ये अपन इधर देखे थे, सारे फॉर्मूला अपने सामने है। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना आएगा, 2 × x^4 आ जाएगा। तो क्या करूं, तो 2 तो ऐसे ही बाहर आ जाएगा, इसका सिर्फ डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो कितना बनेगा, 4 इस तरफ आ जाएगा और एक पावर घट जाएगा, ये बन गया प्लस, इधर 4 इधर रहा, 3 नीचे जाएगा और एक पावर घट जाएगा, 2 बना,
tan x का डिफरेंशिएशन मुझे याद है sec स्क्वायर x, आपको देख के बोलना है तो कितना बनेगा माइनस sec स्क्वायर x बनेगा, प्लस log x का डिफरेंशिएशन मुझे याद है आपको देख के लिखना पड़ेगा 1 अपॉन x, ये सब कुछ आपको याद रखे है जैसे टेबल याद रखते हो वैसे टेबल आपको याद रखना पड़ेगा f डैश x इसका, तो ये तो बेसिकली लिखा है, इसको अगर मैं सिंपलीफाई करूं तो x रेस टू 1 बाय 2 लिखा हुआ है, थोड़ा जादू मंत्र लिखा जादू मंत्र से। अब f डैश ऑफ x कितना आएगा, 1 बाय 2 को इस तरफ लेके जाऊंगा और एक पावर घटा दूंगा प्लस x रेस टू 2 बाय 3, तो 2 बाय 3 को पीछे लेके जाऊंगा और एक पावर घटा दूंगा, माइनस 3 को ऐसे रखा x रेस टू 4, तो 4 को इस तरफ लूंगा एक पावर घटा दूंगा। कोसेक एक्स का डिफरेंस मुझे पता है आपको याद रखना पड़ेगा माइनस कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, तो माइनस कोसेक एक्स ये सब कुछ ऐसे होता है, थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे सिर्फ अलजेब्रा ही चाहिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इससे सिंपल सिंपल चीज में मुझे अभी के लिए चाहिए, आगे जाके बहुत बड़ा चाहिए तो मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा। बस ये 1 बाई 2 इंटू एक्स रेस टू मैथ्स में काम है, 1 बाई 2 माइनस 1 आ जाएगा माइनस 1 बाई 2 प्लस 2 बाई 3 एक्स रेस टू 2 बाई 3 माइनस 1 आ जाएगा माइनस 1 बाई 3, ये आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, माइनस 3 चौजा 12, 12 इंटू एक्स क्यू माइनस ये बनेगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। आपने टीच करने के बाद में इजी लगा सर, ऐसे नहीं होता है हर्षल, आपने दो बार पढ़ा इसलिए आपको इजी लगा, पहले बार में किसी को नहीं समझ में आता ये मुझे ही पता है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा बहुत आपको अगर टफ भी जा रहा है, जो बच्चे पहले बार देख रहे हैं टेंशन मत लो, वीडियो को थोड़ा एक दो बार देखना पड़ेगा आपको। हाँ स्वीट भी आ गया हमारे पास, स्वीट खाना है अपने को, आप लोग भी खाए होंगे स्वीट, ठीक है, तो आई होप थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा, अगर क्लियर नहीं होगा तो अच्छे से मेरे नोट्स देखना, नोट्स में बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया गया है, और आज का जो बुकलेट अच्छा मुझे नहीं पता शायद बहुत सारे बच्चे रजिस्टर नहीं है तो वो बुकलेट मैं पब्लिक करके रखूंगा, ठीक है, आपको सबके पास जो विद्यासरिता एजुकेशन का अगर ऐप है तो विद्यासरिता का एजुकेशन का ऐप में आप लोग मैं डाल दूंगा, ठीक है, मैं डाल दूंगा। सर हमारे टेस्ट कब होगी, आपका टेस्ट होगा इस ट्यूजडे को होने वाला था, हाँ ये माइनस 1 बाई 2 होगा दीपांशु, राइट, ये माइनस 1 बाई 2 आपका टेस्ट डीपी में नहीं मिला, अरे एक बार काम करो रास्ते का सर कॉल करो, ठीक है, मुझे नहीं पता वो शायद बैच में जो है मैं देखा था उस बैच में थी 5 जनी, रुको थोड़ा मैं पहले रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दूंगा।